फ्री वॉन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन सो एंटीटी ट्वेंटी 2023 एग्जामिनेशन का फेज टू आज से शुरू हो चुका है उन्होंने बताया है की कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे एंड किस डिफिकल्टी लेवल का इस बार एग्जाम रहा है तो so, ये सभी चीजें हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने वाले हैं सो so, इसी के साथ स्टूडेंट्स में आपको ये भी बता देना चाहती

यूनिट से जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें एनटीए ने इस बार क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहला क्वेश्चन आया था मूक स्वयं स्वयं प्रभा एंड सी बी इनमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो आप सभी को इनके बेसिक अगर पता है बेसिक इंट्रोडक्शन पता है तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होगा दूसरा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था जो कि एक्सपेक्टेड हमेशा से रहता है वो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण इस इसपे डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर उसको देखकर जाइएगा एंड एक टॉपिक जो कि एन फेज वन में भी बहुत बार पूछ

अपडेटेड एमसीक्यूज है करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड यहां पर आपको मिल रहे हैं सो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर WhatsApp के थ्रू कांटेक्ट करके आप इजीली इसमें से अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी सिर्फ सिक्स डबल नाइन एंड फीस पे करने से पहले अगर आप चाहो तो फ्री पी डी एफ का एक्सेस भी कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं सो so, वापस चलते हैं आपने डिस्कशन की ओर जहां पर हम देख रहे थे कि पेपर वन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं सो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा यहां पर पूछे गए हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग तो so, टीचिंग के कितने मॉडल्स हैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो हमने डिस्कस की है अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी ओके सो मॉडल्स ऑफ टीचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद एक यहाँ पर आ, जा, आ जाता है हायर ऑर्डर लर्निंग इसमें आ जाता है आपका कोग्नेटिव लर्निंग जो होती है

इसमें ये स्टूडेंट्स ने बताया है कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें कि कुछ रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था सो so, अभी से दो तीन दिन पहले ही मैंने सैम्पलिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हो इसके बाद एक यहाँ पर टॉपिक एड किया गया है इस बार जो कि कम एन पूछता है इस बार एड किया गया था वो है स्केल से रिलेटेड ठीक है और उसमें लाइक आट को ऐड किया गया था तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर इस पर मत जाइएगा क्योंकि समय बर्बाद होगा अभी बस उन्हीं चीजों पर फोकस कीजिए जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी अभी तक पढ़ी हुई है एक क्वेश्चन और रिसर्च एप्टीट्यूड में से पूछा गया था वो थी रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन एंड रिसर्च के स्टेप्स ये दोनों ही शिप्स के मिलाकर के मैं बता रही हूँ आपको सो डेफिनेशन में क्या होता है आपको पता है कि बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन बताई हुई होती हैं है ना अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं रिसर्च से रिलेटेड उनकी थियोरीज के अकॉर्डिंग वो चीजें बताते हैं वो सब एग्जाम में पूछी गई थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें काफी स्टूडेंट्स मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि बहुत ही ज्यादा इजी पैराग्राफ था इसमें जो आप लोगों के पास पैसेज आया था वो यानी कि जो करंट अफेयर्स होते हैं उसी से रिलेटेड आया था तो अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होती तो आप लोग इजिली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई यहाँ पर कर सकते थे नेक्स्ट बात करते हैं फिर कम्युनिकेशन यूनिट की कम्युनिकेशन so से कम्युनिकेशन के जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसी में से दो क्वेश्चंस यहाँ पर एसिट पूछे गए थे ये अभी तक हम लोगों को पता चला है एंड उसके अलावा उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज ऐड की गई थी वो की गई थी सिंक्रोनस एंड कम्युनिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी तक फेज वन में ये टॉपिक सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूछा गया था इस बार फिर एन ने वही टॉपिक को ऐड कर दिया है तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिएगा खास करके फेज थ्री एंड फेज फोर वाले स्टूडेंट्स आप लोग जरूर उसको पढ़कर जाइएगा ठीक है एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक न्यूज़ नहीं सुनी है कि फेज थ्री का भी नोटिस आ चुका है फेज थ्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने वाले हैं तीन मार्च से लेकर के छह मार्च के बीच में जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे उसकी लिस्ट आ चुकी है आप लोग देख सकते हो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा ओके तो कम्युनिकेशन यूनिट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बाद एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वो है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो इसमें से आप लोगों से एक रियल लाइफ सिचुएशन दी गई थी क्लासरूम सिचुएशन दी गई थी उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसके अलावा एक आप लोगों से क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने कहा है जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन था ठीक है ये पूछा गया था तो आप लोग उसको भी पढ़कर जा सकते हो नेक्स्ट अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग ओवरऑल स्टूडेंट्स का यही कहना है कि काफी इजी आया था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे इसमें भी वही चीज उन्होंने बोली कि अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करके जाते हो तो भी आपको ईजी हो जाएगा मैथमेटिक्स में जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं परसेंटेज देन वी हैव एवरेज एंड रेशो ये तीन टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर, तो so कर लीजिए बहुत इजी रीजनिंग आया था बहुत से स्टूडेंट्स को रीजनिंग और मैथमेटिक्स एंड डीआई में कंफ्यूजन रहता है बट इस बार अभी तक ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग हर एक शिफ्ट में काफी इजी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं राइट right? तो यहाँ पर एक अल, अल्फाबेट से रिलेटेड सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था

यूनिट जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग सो स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग से हमेशा की तरह एन ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा है जिसका नाम है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इस पे डिटेल वीडियो है बहुत से स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे तो मैं आपको बता देती हूँ इस पे ऑलरेडी एक वीडियो है अंकिता सूद के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पर चेक कर लीजिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत इजी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाए हैं इसमें आपको ए ई आई एंड ओ के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है सब कुछ बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से फैलेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एंड फैलेसी में इस बार एन क्या कर रहा है आपको पता है कि बहुत सारे टाइप की फैलेसीज होती हैं है ना बेसिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होती है लेकिन उनको फर्दर बहुत ज्यादा में divide किया जाता है पहले NTA कुछ चीजों को follow करता था लेकिन इस बार जितनी भी हैं लगभग सभी कर दी गई so, अगर आपने ऑलरेडी फैलसीज पढ़ी है तो ही आप लोग न्यू पॉइंट्स पर जाइएगा अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे भी आप लोग अच्छा इसमें से स्कोर कर सकते हो राइट right? देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया था प्रमाणा से रिलेटेड उसके बाद

क्वेश्चन ऐसे पूछे होंगे जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं ठीक है अब जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की बात करें जिस दिन उन लोगों का एग्जाम होता है तो ए के पेपर वन में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस पूछे होते हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा नॉलेज को भी वो जज करते हैं तो सिमिलर यहाँ पर हिस्ट्री का एग्जाम था इसीलिए बुद्धिस्ट का बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था तो ऋषुत संहिता इसको भी हम डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर चुके हैं देन आ जाते हैं आईसीटी यूनिट पर ये यूनिट से भी काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस इस बार फिर एनटीए ने पूछे थे जिसमें कि पहला क्वेश्चन वही आया था आप लोगों का मेमोरी से ठीक है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें आप लोगों को रैम रोम पढ़कर जाना है रैम रोम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए रीड ओनली कौन सा होता है राइट ओनली कौन सा होता है उसके बाद सी डी एंड डीवीडी हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया है इन दोनों में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है ये आपको पढ़कर जाना है एंड सी डी रोम डीवीडी रोम क्या होता है इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं आर डब्ल्यू ठीक है रीड राइट या फिर रीड ओनली क्या होता है ये पढ़कर जाना है इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में एक आर वर्ड होता है आर का मतलब क्या होता है इसको हमने कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सीडी और डीवीडी में जो वर्ड आर यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है कल के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था जो कि एक्सपेक्टेड है इसके बाद अगर हम आईसीटी की ही बात करते रहे तो यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म्स पूछी गई थी जैसे कि एलएमएस की फुल फॉर्म वी की फुल फॉर्म पूछी गई थी एंड डिफरेंट एक्सटेंशंस पूछे गए थे एक्सटेंशंस क्या होता है एक्सटेंशंस आर दी टाइप्स ऑफ फाइल्स जैसे कि अगर डॉट पी लिखा होगा इसका मतलब है ये इमेज फाइल है अगर डॉट एम लिखा होगा तो ये क्या है ये हमारे पास एक ऑडियो फाइल है एम क्या होता है ये हमारे पास वीडियो फाइल होती है तो इस तरह से एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता एंड आप चाहते हो कि इस पर एक सेपरेट सेशन में लेकर आऊँ तो जल्दी से मुझे कॉमेंट कर दीजिए मैं फटाफट उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगी ठीक है एक क्वेश्चन है यहाँ पर आईसीटी का जो अभी तक के हर एक शिफ्ट में आया है वो है आपका एस एस डी से रिलेटेड एंड ये नया टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है वो है ट्विटर 2.0 इसको जरूर आप लोग पढ़कर जाइएगा थोड़ा बहुत ट्विटर 2.0 ओके नेक्स्ट आ जाता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट इसमें आप लोगों से बेसिक प्रोटोकॉल्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एज एक्सपेक्टेड क्योटो तो प्रोटोकॉल से था ठीक है आप लोगों से क्योटो प्रोटोकॉल्स के इम्पोर्टेंट डेट्स पूछे गए थे एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूछा गया था यहाँ पर आपसे नीति आयोग पूछा गया था इस पर भी अगर डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हो मैं लेकर आऊंगी मुझे बस आप लोग कॉमेंट कर दीजिए ठीक है so, सो आप लोगों से नीति आयोग पूछा गया था यहाँ पे एंड जो सोलर एनर्जी है ये आप लोगों से पूछा गया था

स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा पूछा गया था एंड इसके फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं स्वयं के फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं वो पूछे गए थे स्वयं प्रभा में कितने टोटल नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं ये पूछे गए थे तो ये सब आपको पढ़कर जाना है उसके अलावा स्वयं प्रभा में यहाँ पर जो है आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एंड हायर एजुकेशन में एक पूछा गया था 1902 में फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बना था तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज़ उसमें स्टूडेंट्स हो गए थे एंड स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवॉयमेंट से वो है ओजोन लेयर की मोटाई कितनी है

जो है कंट्रोल नहीं कर पाता ये तो क्वेश्चन आप, आप, आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है इसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या थ्योरी सेशन तो भी मुझे कॉमेंट कर दीजिए मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प